डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। शानदार समारोह में अमेरिकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। ट्रंप ने अब्राहम लिंकन और मां से मिली बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के भाषण में अमेरिका फर्स्ट की झलक दिखी। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी के मौके बढ़ाने और देश की सीमाओं को महफूज बनाने की बात भी कही। ट्रंप ने एक नया नारा भी दिया, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, यानी अमेरिकन चीजें ही खरीदो, अमेरिकी लोगों को ही नौकरियां दो। वी विल फॉलो टू सिंपल रूल्स, बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद पर तीखा हमला बोला और दुनिया से इसके सफाई की बात भी कही। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और लिखा कि वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में करीब 9 लाख लोग मौजूद रहे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन समेत कई हिस्सों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसके बावजूद ट्रंप की इनॉग्रल परेड में करीब 8,000 लोग मौजूद थे। इनमें करीब 40 संस्थाओं के प्रतिनिधि, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के मार्चिंग बैंड, इक्वेस्ट्रियन कॉर्प्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और वेटरन्स ग्रुप शामिल थे। वहीं बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस से विदाई लेने से पहले हर कदम पर अमेरिकी जनता के साथ खड़े रहने का वादा करते हुए ट्वीट कर देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। ओबामा ने लिखा कि वह अमेरिकी जनता की सेवा करना अपने जीवन का सम्मान मानते हैं। ओबामा को यूएस मरीन हेलीकॉप्टर तक विदा करने खुद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मिलेनिया आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। पीएम आज वायुसेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरफोर्स पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से आईएमए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में पीएम सेना के प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से सेनाओं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की योजना पर खासतौर पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात, समुद्री सरहद पर चीन के साथ संबंध और सेनाओं का आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लाने के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी कार्यक्रम में जो मैंने कहा, दो सेपरेट प्रश्न थे, उनके उत्तर में कहा है, अपने समाज के एक वर्ग को सदियों तक हमने सुविधा सम्मान शिक्षा से वंचित रखा है, इसलिए वह समाज पिछड़ा है। मनमोहन वैद्य के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था जिसमें उन्होंने शिक्षा समेत कई बातों में समान मौका दिए जाने की वकालत की थी। बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इस बयान को लेकर विपक्ष ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था। देश के लोगों को इस प्रकार के षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे और इस देश को आश्वस्त करें कि वो उनकी पार्टी और आरएसएस अब इस प्रकार के दलित विरोधी कदमों से बाज आएंगे। जलीकट्टू का आयोजन जल्द सुनिश्चित करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले कल जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्य सरकार के अध्यादेश को केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का बैन निष्प्रभावी हो जाएगा। पूरी ये जो प्रक्रिया हुई, इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक वैधानिक समाधान निकालने की कोशिश की है और वो ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया चल रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसका एक उचित वैधानिक रास्ता निकलेगा। वहीं जलीकट्टू परंपरा पर बैन को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बहाने एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि जलीकट्टू को लेकर हो रहे प्रदर्शन हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए एक सबक है और समान आचार संहिता इस देश पर थोपी नहीं जा सकती, क्योंकि यहां सिर्फ एक संस्कृति नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सस्पेंस अब तक बरकरार है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आखिरी फैसला गुलाम नबी आजाद और सीएम अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद ही होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं करेगी। मैं ये मानता हूँ गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। वहीं समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की टूटी उम्मीदों के लिए कांग्रेस के अड़ियल रुख को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री
के अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का आइडियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं रुकी वार्ता। समाजवादी पार्टी ने पहले लिस्ट में 191 और दूसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर हमीरा गांव में ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन काठ गोदाम से जैसलमेर जा रही थी। हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बों में धुआं भर गया और डरे हुए यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। आज बिहार के 2 करोड़ लोग नशे के खिलाफ एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े होंगे और 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। आयोजन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मानव श्रृंखला की सैटेलाइट फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है। 5 सैटेलाइट इसकी फोटोग्राफी करेंगे, जबकि राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में बनने वाली श्रृंखला की फोटोग्राफी के लिए जिलों को एक एक ड्रोन मुहैया कराए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इवेंट के लिए सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच नेशनल और स्टेट हाईवेज को बंद नहीं किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रमादित्य अब ATM से भी लैस होगा, जो सैटेलाइट लिंक के साथ काम करेगा। इस ATM की शुरुआत आज से की जाएगी। पहली बार देश में किसी युद्धपोत पर सैटेलाइट लिंक वाला ATM लगाया जा रहा है। इससे वॉरशिप पर मौजूद 2000 जवानों को फायदा होगा। इससे पहले INS विराट पर टेलीफोन लिंक आधारित ATM था, जिसकी सीमाएं थी। जयपुर में चल रहे जी लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन के एक सेशन मैं शायर तो नहीं में बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी हिस्सा लिया। सेशन में ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ऋषि कपूर ने देश में अहम जगहों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाए। मशहूर गीतकार गुलजार के साथ एक सेशन आयोजित किया गया। दिग्गी पैलेस के फ्रंट लॉन में अमेरिका में रहने वाली भारतीय लेखक चित्रा बैनर्जी की किताब बिफोर वी विजिट द गॉडेस किताब पर भी चर्चा हुई। किताब में माँ और बेटी के संबंधों का जिक्र किया गया है।